सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक हम फिर एक नई खबर के साथ में आपके सामने हाजिर है। आज की हमारी खास खबर यह है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मरियम शाकिर हिंगोरा मसीहा की प्रेसिडेंट हूँ और आज जैसे मैं है ना ये 6 साल से मैं मेरा मसीहा फैमिली ट्रस्ट है इसको मैं चला रही हूँ और मुझे जैसे जैसे पता चलता है कि यहाँ पे गरीब लोग हैं और मैं ये सिर्फ गरीब लोगों का करती हूँ और इसमें ऐसा मैं भेदभाव नहीं रखी हूँ कि मेमन ही होवे, मैं मेमन नॉन मेमन और नॉन मुस्लिम को भी करती हूँ, मैं सब लोगों को करती हूँ, मेमन नॉन मेमन नॉन मुस्लिम सबको करती हूँ क्योंकि ये सब इंसान हैं और ये अल्लाह की मखलूक है। तो ये मेरा एक जज्बा है कि मैं जिधर भी मुझे पता चलता है कि ये एरिया में काफ़ी लोगों को ज़रूरत है मैं उस तरफ जाती हूँ और मेरी टीम मसीहा की टीम इतनी अच्छी है कि मैं उन लोग को सर्वे के लिए भेजती हूँ और वो लोग मुझे काफ़ी अच्छी तरह से रिपोर्ट देते हैं। तो मैं है ना आज मुझे आवेश जी ने बताए थे कि मुमरा में काफ़ी गरीबी लोग हैं, मेमन भी है नॉन मेमन भी है, तो इनको रमज़ान अभी जो अप्रोच हो रहा है 14 अप्रैल से, तो मैंने सोचा कि चलो आज आके मैं अनाज इन लोगों को बांट दूं ताकि इन लोगों को रमज़ान में काम आए। मैं तो उनका पूरा रमज़ान नहीं कर सकती लेकिन स्टार्टिंग में इन लोगों को जो मदद हो सके कर रही हूँ। और बॉम्बे की साइड में क्या है काफ़ी लोगों को मिल जाता है, मुमरा में इंटीरियर्स में कोई इतना आता नहीं है देने के लिए, इसके लिए मैंने आज ये मुमरा को चुना है। अनाज के अलावा ब्लैंकेट्स के अलावा एजुकेशन मेडिकल और यतीम खाने जो ऑर्फेनेजेस है और यतीम खाने में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए मैं रमज़ान की पठानियाँ सिला के देती हूँ और उन लोग को 2-2, 3-3 महीने से लोग मेरे को अप्रोच करते हैं तो मैं एक राशन वाला है उनको बता देती हूँ तो वो लोग उधर जाके राशन ले लेते हैं, ग्रॉसरी जो भी है ले लेते हैं। मैं समूह लगन भी कर चुकी हूँ जो गरीब कपल्स हैं उनके, मैंने A to Z फ्रॉम देश से लेके हॉल खाना डेकोरेशन ऐसा करती हूँ कि वो गरीब लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हमारी गरीब तरीके से हुए, जैसा हाई फाई लोगों का होता है स्टेज डेकोरेशन इस तरह से हम लोग करते हैं। और पूरा दहेज देती हूँ मैं, दुल्हन का ड्रेस दूल्हे का ड्रेसेस फर्नीचर सामान सब, और खाना भी आती है और काफ़ी बड़े बड़े लोगों को भी बुलाती हूँ उधर बॉम्बे साइड में। और अभी और हैंडीकैप का भी मैंने काफ़ी व्हीलचेयर हम लोगों ने बांट चुके हैं, मुमरा में भी मैंने एक व्हीलचेयर मस्जिद में डोनेट करी थी। और जैसा मुझे मालूम पड़ता है कि ऐसा मैं कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नहीं करती हूँ, कोई को दहेज चाहिए गांव में, कोई को व्हीलचेयर चाहिए, किसी को एजुकेशन की फ़ीस चाहिए, मैं सब है ना स्कूल के नाम पे देती हूँ, मेडिकल का हॉस्पिटल के नाम पे देती हूँ, मैं हाथ पे कैश नहीं देती हूँ, मैं सब इस तरह करती हूँ ताकि कंसर्न पर्सन को बराबर ये चीज़ मिले। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 200 प्रोजेक्ट्स छोटे मोटे बड़े सब कर चुकी हूँ मैं। मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह मेरी जो भी मैं खिदमत करती हूँ वो मेरे अल्लाह मेरे को कबूल करे और जो लोग मेरे को साथ देते हैं उनको भी अल्लाह इनकी भी मुरादें पूरी करे। और आज मैंने मुमरा में आके फर्स्ट टाइम राजन भाई से और अनीता मैडम से मिली, मैंने ये मेरे बहन बच्चे के जैसे ही है इनसे मैंने मिली और इनके भाई कॉरपोरेटर क्या नाम है मोरेश्वर, और आप लोगों से सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों में जो जज्बा है भले आप लोग मुझे हेल्प करते हैं लेकिन जो हेल्पिंग का जज्बा है ना वो सबसे बेहतर है और आप लोगों ने मुझे इतना साथ दिया, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ और सबको थैंक्स बोलती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप सबकी है ना हर जो छोटी बड़ी तमन्ना है वो पूरी करें। मसीहा मेमन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पर रमज़ान के लिए हमारे मुमरा के लोगों के लिए रमज़ान के माध्यम से जो ज़रूरत चीज़ें है और अनाज बांटा गया, खास करके हमारे जो मरियम शाकिर हिंगोरा जो कि मसीहा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम हैं उन्होंने बताए कि पूरे
जो आवाम के खले खिदमत के लिए, खिदमत की सेवा के लिए जो करने का काम है वो करते रहती है। और आज मुमरा में उन्होंने बॉम्बे से आकर यहाँ पर उन्होंने अपना सेवा का सेवा की है। और पहले वो मुमरा में उनके मिस्टर के माध्यम से यहाँ पर वो 77 में क्लिनिक भी चला चुके हैं और लोगों को आरोग्य सेवा भी दी है। आज वो तन मन धन से यहाँ पर मुमरा में सेवा का अपना योगदान दे रही है। मैं उनका और उनके पूरी जो टीम है, अनीस भाई है, फिर हमारे आवेश भाई है, मैडम है, एडवोकेट मैडम आई है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस काम में उनको जो जो योगदान देते हैं उनका भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी भी अच्छी सेहत के लिए मैं कामना करता हूँ। और ख़ास करके कोरोना के माध्यम से हमारे मुमरा कौसा में वैक्सीन की शुरू हो चुकी है और आप से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ले लीजिए, वैक्सीन ले लीजिए और आप कोरोना से बचिए। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, बड़े खुशी की बात है, मसीहा फाउंडेशन बॉम्बे इनकी तरफ से डॉक्टर मरियम जो बहुत साल पहले अपने मुमरा में रह चुकी है, आज उनका और वो इस मसीहा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे जो मेमन समाज है उनकी तहत मसीहा फाउंडेशन की तरफ से आने वाले रमज़ान में पूरे ज़रूरतमंद जितने भी मुमरा के गरीब लोग हैं उनको ये अनाज बांटा जा रहा है। बेहद खुशी की बात है और मैं मैडम का और मसीहा फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। और आने वाले जो रमज़ान में मैं लोगों से खास अपील करना चाहती हूँ आपके माध्यम के तहत से कि कोरोना से डरिए नहीं, पर कोरोना की जो भी गवर्नमेंट एहतियात बता रही है आपको, जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजिंग, ये आपको करना ही करना है क्योंकि सेकेंड एक दौर चल रहा है कोरोना का। वैसे तो हम यूज्ड टू हो गए कोरोना के लिए, डरने की कोई बात नहीं है, कोरोना से इंसान बेहद जल्दी ही ठीक हो जाता है। तो फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और मुमरा के लोगों को आगाह करना चाहती हूँ कि आने वाले कोरोना के जो भी वैक्सीन है वो आप ज़रूर लीजिए और स्टे हेल्दी, स्टे फिट और हैप्पी रमज़ान टू एवरीबडी। थैंक यू।